दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल अहमद उर्दू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9190968863 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, वो कब मनाया गया? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, इसका सही उत्तर है 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नाना शंकर सेठ। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ रखा जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टेनिस में ओमान पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अचंता शरत कमल ने ओमान पुरुष एकल खिताब टेनिस का जो हुआ था वो जीता है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने COVID-19 के लिए कितने मिलियन डॉलर आपातकालीन निधि जारी किया है? दोस्तों, COVID-19 के लिए भारत सरकार ने 10 मिलियन डॉलर का निधि घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विमेन ऑन बोर्ड 2020 अर्थात 2020 अध्ययन में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नार्वे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एथलीटों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मणिपुर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे RBI केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है देवाशीष पांडा को RBI केंद्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस ने सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोपैक्स यात्री नौका सेवा कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में हृदेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। हृदेश कुमार को जम्मू कश्मीर का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 39वां जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बंशीलाल भट्ट। बंशीलाल भट्ट अपीलेंट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लॉन्च की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर को आप जानते हैं, बहुत ही मशहूर और विख्यात व्यक्ति थे जिनका अभी जल्द ही में निधन हुआ। ये जो है मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार किस देश को स्कूल भवनों के लिए 107.01 मिलियन प्रदान किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नेपाल। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस मनाया गया, अर्थात किस दिनांक को मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 18 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केरल। ब्रेक द चेन अभियान केरल में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी S&P ने 2020 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 5.2%। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस गोपाल रेड्डी किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए भूमि राशि पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार कहाँ बनाई जाएगी? दोस्तों ये हमारे देश भारत में बनाई जाएगी और भारत में गुजरात राज्य में इसको बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की दवा का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजाज ऑटो का नया MD एंड CEO किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है राजीव बजाज। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बायो फ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए।